अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं हिस्टोरिकल ब्रिज पे के आयू के साथ। ये ब्रिज है, काफ़ी तारीखी पुल है। इस पुल के हवाले से और भी बातें जानते हैं अब्बास भाई से। इस ब्रिज का ये है कि ये जो एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये डेटम पॉइंट था पूरे गिलगित बल्तिस्तान का। यहाँ पे हिस्टोरिकली हम देखें तो यहाँ पे रॉक्स पर जो हमारे संस्कृत में यहाँ पे पिक्टोग्राफी है, तो यहाँ से हिस्टोरिकल इस एरिया की, इस ज़मीन की, इस जगह की बहुत इम्पोर्टेंस है। 1957 में फिर इसका एक लोकली हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने, क्योंकि शुरू में यह था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट आया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको बनाने की। तो हमारे लोकल एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम बिरनू है, बहुत मशहूर कॉन्ट्रैक्टर थे, उसने अपने ज़िम्मे ये काम उठाया। और तब ये इशू ये था कि हमारे गिलगित में इस तरह के कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। हमारे पास लोकली जो अवेलेबल है, गिनती बेलचा कहते हैं, उनके थ्रू ये टनल बना। टनल के बाद जब टनल बना तो उसका इशू ये था कि पर इसको क्रॉस करना था, तो इन्होंने एक सस्पेंशन ब्रिज जो हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी, तो वो बना के उन्होंने फिर इसको टनल के साथ कनेक्ट। जैसा कि आपने कहा, ये 50-60 साल बल्कि 70-80 साल पुराना ये ब्रिज है, तो आप काइंडली ये भी बताएं कि उस ज़माने में इतना इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री हो, अब ये लोहे के बड़े बड़े, इसमें काफ़ी लोहा इस्तेमाल हुआ है, तो ये लोहे के जितने सामान हैं, और फिर लकड़ी चले ये तो गिलगित में ही बनती थी, तो ये लोहे के जो बड़े बड़े सामान हैं ये कहाँ से लाया था? इसमें ये कि लकड़ी के और मटेरियल की बात करें तो मटेरियल वाइज ये 90% हमारा वुड यूज़ हुआ है, 20% हमारे पास हैं स्टील बार्स हैं, ये हमें डॉन से यहाँ कश्मीर के थ्रू मंगवा के तब ये बना। इसकी ओरिजिनल जो शेप थी बहुत ज़बरदस्त, जो हमारे टिपिकल लोकली जो टेक्निक्स हैं ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस बनाने के, उसके थ्रू ये बना हुआ था। इसका डिज़ाइन भी अभी ये हमारे पास रिसेंटली इसकी रिनोवेशन हुई है, और इन्वेशन करके ब्रिज की जो ओरिजिनल शेप थी उसको चेंज किया। तो मेरा ये प्रोजेक्ट है कि अडाप्टिव रीयूज ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस इन गिलगित बल्तिस्तान। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी टेक्निकल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं या आर्किटेक्चरल ब्रिजेस वगैरह जैसे बनते हैं, उनका डिज़ाइन प्रिजर्व करना। और मेरे जहन में एक आइडिया है कि हम इस टनल को म्यूजियम बनाएँ और इस सस्पेंशन ब्रिज को हम एक रेस्टोरेंट बनाएँ। चूँकि अब्बास भाई ने बताया इसका प्रोजेक्ट है इसको कन्वर्ट करें किसी फ्रूटफुल वे में, तो पहले तो ये ब्रिज कन्वेंस के लिए यूज़ होता था, अब ये पुराना हुआ है और अब्बास भाई कह रहे हैं कि इसको हम यूटिलाइज, हाउ टू यूटिलाइज दिस ब्रिज। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग इधर आए हैं और पिक्चर्स बना रहे हैं, तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन विद इन अ सिटी ये बन गया है। इसको मजीद हम रेनोवेट करें और एक म्यूजियम का टनल को हम म्यूजियम बनाएं, और ये ब्रिज है इसको हम रेस्टोरेंट का शेप दें, जैसे आउटडोर रेस्टोरेंट होता है, इसको कवर भी कर सकते हैं, सेमी कवर एलिमेंट्स, आर्किटेक्चरल या डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो लगा के इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं, अडाप्टिव रीयूज इसकी हो सकती है। तो हम इस तरह इसको ऐसे ही रखेंगे। तो आप देख रहे हैं जो अभी रिनोवेशन हुआ है, रिनोवेशन के बाद जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है वो अच्छा फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ इस ब्रिज के लिए। इसकी ब्यूटी जो थी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल ब्यूटी, अभी उन्होंने इसको बिल्कुल ही मॉडर्नाइज करके इसको ख़राब किया। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अपनी ओरिजिनल शेप है, जैसे अब टनल की बारी है, ब्रिज तो इसलिए उन्होंने इसकी शेप चेंज कर दी, तो अब टनल है इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये इसी शेप में रहे और हम इसका रीयूज़ करें। रीयूज़ में हम
इसकी प्रॉपर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से पूछेंगे, टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनसे उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम इधर क्या वो चीज़ किन चीज़ों की कमी है और हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या इसको फर्दर यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा। ये बहुत ही प्यारी जगह है, काफ़ी लोग इधर आते हैं ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर से कचरा नीचे फेंकते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ, डस्टबिन से इधर लगे हैं आप उनको यूज़ करें काइंडली। जिस तरह आप कचरा नीचे फेंकेंगे, दरिया में फेंकेंगे, तो उधर काफ़ी हमारी सी लाइफ है, मेरीन लाइफ है, वो आपके कचरे की वजह से डिस्टर्ब होगी, वो खाएंगे, मर जाएंगे। नॉलेज ही नहीं थी, उसने हैंडमेड ये सारा टनल बनाया। अच्छा, चार कोली लेके ये सारा टनल बनाया है खुद, आप देख सकते हैं। एक बंदे की डेथ भी हो गई थी यहाँ से, ऊपर से आप देख सकते हो कैसे रॉक बाहर आए हुए हैं यहाँ से गिर के उनके ऊपर, फिर वो दब के यहाँ पे एक बंदा तो ये हमारा असासा है, ये तारीखी चीज़ें हमारे असासे हैं, काइंडली इनको ख़राब ना करें और इनको रीयूज़ करें। अब्बास भाई का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इनके प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करें। जब पब्लिश होगा, इनका रिपोर्ट पब्लिश होगा, तो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशल्स देख रहे हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट PWD के जो ऑफिशल्स देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इन जगहों को अच्छा यूटिलाइज़ करें। और जो हमारे पास क्रीम है, जिस तरह आवास भाई का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इस तरह के जो हमारे पास गिलगित में क्रीम है, इनको काइंडली आप लोग यूटिलाइज़ करें। यह था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट आया तो किसी ने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको बनाने की। मैं ये सामान ही पसंद तो कैसे सामान मतलब खराब तो थे कि नैनू पता दे एक मुशाल ठेकेदार एक सने सने हरी चुन छाल बाली कानी बाली किनारी गोस अवन है ते नहीं जगह ने पट्टी है 12 रोज सजा जाली श्रे हरी बार बस ठो की पष्टा की दे छ पार्टी जा सारी बस ठे गई तो मत नुकसान नहीं जगह ही नुकसान तो नहीं तो सो सकीरा ने हुड़ वाते सड़के भी डाटा ली दे ले अवन है ते अन जाको सच पैगाम दे सो नसीहत था असे तो नहीं माने एटीएन एक ड्राइवर की मत कर ली भी जगह रगसो मैं गंजी हूँ वाटे खेट पुनर नहीं भी आसो के बहुत तो दूर कोख।